हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की जो कि निकाला है गुरु घसीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को। तो अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए और पे, ताकि आप मेरी किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया है गुरु घसीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से आया है। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने मेंशन कर रखा है एडवर्टाइजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन प्योरली टेम्परेरी बेसिस फॉर एकेडमिक सेशन 2020-21। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने साफ मेंशन कर रखा है ये जो पोजिशन है ये सारी यहाँ पे जो एकेडमिक लाइक टेम्परेरी है, टेम्परेरी बेसिस पर है। तो चलिए हम देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा और इसमें आप देख सकते हैं कि जो गुरु घसीदास विश्वविद्यालय है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो अपॉइंटमेंट एज टीचर और प्योरली टेम्परेरी बेसिस। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट होगा वो आपका इनिशियली 6 मंथ के लिए होगा और टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट विच एवर के लिए। तो यहाँ पे देखिए भी क्लियरली नहीं मेंशन किया है, अगर आपका रिक्रूटमेंट यहाँ पे होगा तो 6 मंथ के लिए टेम्परेरी होगा या आपका जो है रेगुलर अपॉइंटमेंट भी हो सकता है जो कि विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे बात करें, अगर आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना और साथ ही साथ आपको अटेस्टेड कॉपी अटैच करनी है, आपकी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डिग्री और एकेडमिक क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की, और सेंड कर देना है आपको एट ईमेल आईडी registrar@ggu.ac.in पे टिल 21 दिसंबर। तो यहाँ पे लास्ट डेट में मेंशन कर रखी 21 दिसंबर। ठीक है, साथ ही इन्होंने बोला कि आपको यहाँ पे कोई भी जो हार्ड कॉपी वो सेंड नहीं करनी है और यहाँ पे इन्होंने जो लाइक सैलरी यहाँ पे मेंशन कर रखी है वो 25,000 पर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो सैलरी भी इन्होंने मेंशन कर रखी है, तो अगर आपको जो कुछ डाटा डिटेल रेगुलर अपडेट चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नंबर पोजिशन पे, तो आप जो है www.ggu.ac.in पर जाके जो है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो भी अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जो है कॉल किया जाएगा और जो इंटरव्यू शेड्यूल है वो आपको जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दिया जाएगा। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए फॉर टेम्परेरी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में, जैसा मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया कि आपको यहाँ पर 25,000 पर मंथ का जो सैलरी मिलेगा एज पर यूजीसी नॉर्म्स, और जो बात करें एलिजिबिलिटी की, तो आपका यहाँ पे पीजी डिग्री 11 सब्जेक्ट में होना चाहिए, 55% मार्क्स के साथ, साथ ही आपका जो है नेट होना चाहिए CSI UGC नेट, या आपका जो है नेट या स्लेट भी होना चाहिए या SAT होना चाहिए। तो आपके पास जो है मैंडेटरी यहाँ पे नेट होना जरूरी है या स्लेट होना कंपलसरी है। वही अगर बात करें उन बच्चों की जिन्होंने जो है अपना PhD जो है वो 2009 से पहले रजिस्टर किया है, तो उनका जो PhD डिग्री वो रेगुलर मोड में होना चाहिए, उनके थीसिस को 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने इवेल्युएट किया होना चाहिए, एक उसका जो है रेगुलर PhD बाय वर्क हुआ होना चाहिए और 2 रिसर्च पेपर मिनिमम उसने पब्लिश किए होने चाहिए PhD वर्क से, साथ ही साथ उसने अपने जो 2 पेपर्स है वो कॉन्फ्रेंस में या स्पॉन्सर्ड फंडेड या सपोर्टेड बाय UGC CSIR या किसी भी जो कॉन्फ्रेंस है उसमें जो है प्रेजेंट किए होने चाहिए फॉर्म ही जब PhD पर। ठीक है, वही अगर बात उन बच्चों की जो जिन्होंने अपनी जो PhD है वो फॉरेन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किए, तो उनके लिए जो है उनकी यूनिवर्सिटी जो है टॉप 500 में आनी चाहिए जहां से उन्होंने PhD किए हैं, और जो रैंकिंग जो वैलिड रहेगी वो आपकी QS रैंकिंग रहेगी, इदार रैंकिंग रहेगी और जो है ARWU रैंकिंग रहेगी। तो ये 3 रैंकिंग में आपका जो यूनिवर्सिटी है वो टॉप 500 में आना कंपल्सरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे देखिए, अदर सब्जेक्ट के लिए भी है, फॉर स्कूल ऑफ इंजीनियर टेक्नोलॉजी के लिए भी यहाँ पे देखिए फिक्स पे इससे क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखा है, तो आप जो है ये जो है देख सकते हैं इस PDF में, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो है आप ये सब इम्पोर्टेंट जो क्वालिफिकेशंस हैं वो आप देख सकते हैं। अब इस जनरल इंस्ट्रक्शन जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आपका जो लास्ट डेट है 21 दिसंबर रखा गया है, और यहाँ पे आपको जो है डायरेक्टली ऑनलाइन ही आपको अपने डॉक्यूमेंट भेजने अलॉन्ग वीडियो और एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, अब देखिए आप अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो आप यहाँ पे इंटरव्यू होना कंपलसरी, तो यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं है, तो आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो आपको जो यहाँ पे ऑनलाइन या वर्चुअल मोड में आपको इंटरव्यू देना चाहिए तो देना पड़ेगा, और जो इंटरव्यू होगा वो गूगल मीट या जूम एप्लीकेशन के थ्रू होगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए आपको 100 रुपीज का जो एप्लीकेशन फी है वो यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपके डिस्कस कर लिए हैं। अब देख लेते कुछ और पॉइंट्स। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर लिया, अब बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, तो देखिए यहाँ पे जो बायोडाटा फॉर कैंडिडेट ऑनलाइन इंटरव्यू फॉर अपॉइंटमेंट टीचर ऑन प्योरली टेम्परेरी बेसिस के लिए, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म ये आपको फिलअप करना है, फिल करके आपको जो इसका स्कैन लेना और सेंड कर देना है ईमेल आईडी जो कि मेंशन कर रखी है।
हम देख लेते हैं वैकेंट पोजीशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए आप अगर देखना चाहते हैं कितनी वैकेंसीज के सब्जेक्ट में, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्कूल ऑफ स्टडी आर्ट्स यानी इंग्लिश, हिंदी, जर्नलिज्म, लाइब्रेरी साइंस, तो इसके सामने देखिए यहाँ पोस्ट मेंशन कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल बात इंग्लिश की, थ्री जो पोस्ट आनी चाहिए, वन ST, वन OBC, वन EWS, ऐसे करके आप जितने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हैं उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की स्कूल ऑफ स्टडी नेचुरल रिसोर्सेज में, तो फॉरेस्ट्री, फार्मेसी, तो फॉरेस्ट्री में देखिए टू अनरिजर्व पोस्ट है, टू SC है, टू ST है, टू OBC और वन EWS कैटेगरी की पोस्ट है। तो ये सब चीज़ें जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम बात करें इंटर डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च की, तो यहाँ पे देखिए बायोटेक्नोलॉजी के लिए टू अनरिजर्व है, वन SC, वन OBC पोस्ट है। फॉरेंसिक साइंस के लिए टू अनरिजर्व, वन SC, वन OBC पोस्ट है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपके डिस्कस कर ली। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।